वर्तमान समय में क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल बनता जा रहा है और लोगों द्वारा वही खिलाड़ी पसंद किए जाते हैं जो कि फटाफट चौके और छक्के मारकर खेल को रोचक बनाते हैं। शाहिद अफरीदी और क्रिस गेल जैसे कुछ ऐसे नाम हैं जो कि अपने आक्रामक खेल के कारण सभी के द्वारा पसंद किए जाते हैं। हमने इस लेख में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले शीर्ष 10 खिलाड़ियों का विवरण दिया है। शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान। बूम बूम के नाम से मशहूर शाहिद अफरीदी ने 523 मैचों में 507 पारियों में कुल 476 छक्के लगाए हैं। अफरीदी ने 23.95 की औसत एवं 114.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 11,185 रन बनाए हैं। अपने पूरे क्रिकेट करियर में अफरीदी ने 11 शतक और 51 अर्धशतक भी लगाए हैं और अब क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। क्रिस गेल, वेस्टइंडीज। वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने 422 मैचों में 493 पारियों में कुल 434 छक्के लगाए हैं। अपने पूरे क्रिकेट करियर में इन्होंने 17,994 रन बनाए हैं। उन्होंने 39 शतक और 97 अर्धशतक भी लगाए हैं और अब क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ब्रेंडन मकलम, न्यूजीलैंड। ब्रेंडन मकलम ने 432 मैचों में 474 पारियों में कुल 398 छक्के लगाए हैं। उन्होंने 34.37 की औसत एवं 82.11 के स्ट्राइक रेट के साथ 14,676 रन बनाए हैं। इनके द्वारा बनाए गए 19 शतक और 76 अर्धशतक उनकी प्रतिभा का सबूत है। सनथ जयसूर्या, श्रीलंका। बाएं हाथ के बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने 586 मैचों की 651 पारियों में कुल 352 छक्के लगाए हैं। उनका रन बनाने का औसत 34.14 और स्ट्राइक रेट के साथ 21,032 रन बनाए हैं। अपने पूरे करियर में उन्होंने 42 शतक और 103 अर्धशतक भी लगाए हैं। जयसूर्या क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी, भारत। धोनी ने 452 मैचों की 459 पारियों में कुल 318 छक्के लगाए हैं। उन्होंने 44.78 की औसत एवं 78.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 15,360 रन बनाए हैं। धोनी ने अभी तक 16 शतक और 95 अर्धशतक लगाए हैं और अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी भी क्रिकेट में सक्रिय हैं। एबी डिविलियर्स, दक्षिण अफ्रीका। एबी डिविलियर्स ने 393 मैचों की 451 पारियों में कुल 298 छक्के लगाए हैं। उन्होंने 47.96 की औसत एवं 73.85 की स्ट्राइक रेट के साथ 18,611 रन बनाए हैं। डिविलियर्स ने अपने करियर में कुल 45 शतक और 99 अर्धशतक भी लगाए हैं और अभी भी क्रिकेट में सक्रिय हैं। सचिन तेंदुलकर, भारत। क्रिकेट के भगवान के नाम से मशहूर तेंदुलकर ने 664 मैचों की 782 पारियों में कुल 264 छक्के लगाए हैं। उन्होंने 48.52 की औसत एवं 67.58 के स्ट्राइक रेट के साथ 34,357 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में 100 शतक और 164 अर्धशतक भी लगाए हैं और क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। गिली के नाम से मशहूर गिलक्रिस्ट ने 396 मैचों की 429 पारियों में कुल 262 छक्के लगाए हैं। गिलक्रिस्ट ने 38.94 की औसत एवं 91.43 की स्ट्राइक रेट के साथ अपने पूरे करियर में 15,461 रन बनाए हैं। उन्होंने 33 शतक और 81 अर्धशतक भी लगाए हैं और क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। जैक कैलिस, दक्षिण अफ्रीका। जैक कैलिस ने 519 मैचों की 617 पारियों में कुल 254 छक्के लगाए हैं। कैलिस ने 49.10 की औसत एवं 56.30 के स्ट्राइक रेट के साथ 25,534 रन बनाए हैं। अपने क्रिकेट करियर के दौरान कैलिस ने 62 शतक और 149 अर्धशतक भी लगाए हैं और क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। युवराज सिंह, भारत। यूवी के नाम से मशहूर युवराज ने 394 मैचों की 384 पारियों में कुल 249 छक्के लगाए हैं। युवराज दूसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ICC द्वारा आयोजित टूर्नामेंटों में 9 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है। यूवी ने अपने करियर में 17 शतक और 70 अर्धशतक भी लगाए हैं और अभी भी क्रिकेट में सक्रिय हैं।